गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी कोटा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मॉडल सेट के बारे में चर्चा कुछ किया गया है। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ए दिया गया है एंड बी दिया गया है, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो जैसे देखिएगा, ये ए रहा और ये बी, ए यूनियन बी, पहले ए को लिख ले, फिर इसके बाद यूनियन दे के बी को। तो यूनियन का जो अर्थ होता है कि इसमें से जो भी है सारा को लिख देना है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको देखिएगा जनरली इसको कैसे आप सीधे रूप से बना सकते हैं। जनरली क्वेश्चन क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी करेंगे मतलब ए और बी का सारा भी है, और उसके बाद इंटरसेक्शन करने से सिर्फ ए ही आएगा, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, जो कि आपको 1 नंबर में मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन ए और बी में संबंधों की संख्या, तो आप देख सकते हैं ए और बी में कुल जो हो जाएगा, आप इसको करके दोनों मतलब कि टोटल जो रिलेशन बना सकते हैं वो 6 को, लेकिन इसमें से आपको ये फार्मूला होता है कि 2n, यानी कि 2 और ये जो n है, आप देख सकते हैं n कितना हो जाता है 6, यानी कि 2 पर पावर 64, तो ये आपका 64 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 2, ये तो बहुत सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है कि जैसे कि एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 4, ये आप जैसे कि एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वाई बराबर इतना, तो आप देखिए एक्स का 3 वाई का -2 ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्स का 3 और वाई का -2। अब की बार जैसे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स आपको दिया गया है और ये आपको फाइंड करना है, तो मतलब यहाँ देखिए एफ -2 मतलब एक्स की जो जगह है वो क्या रख देना है -2। जैसे कि हम बनाए ये -2 रख दिए, तो -2 कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 11/-3, यानी कि -11/3, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 आप देख लीजिए -11/ये। उसी प्रकार क्वेश्चन 6 है, तो क्वेश्चन 6 में जनरली ये मिस प्रिंट है, ये ब्रेकेट जो होगा ये दोनों के बीच में होगा। जैसे कि हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिए हैं कि ये ब्रेकेट इस प्रकार होगा तो ये सॉल्यूशन इस तरह होगा और आंसर भी ये होगा, तो आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसको रेडियन में बदलना है, तो ये चूंकि डिग्री में है तो पहले इसको पूरी रूप से डिग्री बदलने के बाद ये इतना डिग्री में आ जाता है, ठीक है। चूंकि देखिए ये मिनट में दिया गया तो इसको भी डिग्री बदले इतना है। अब आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाए, तो 1 बराबर इतना, तो 180 बराबर आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए बोलता है कि टेन थीटा 7/24 है, तृतीय में है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये आपका जैसे कि पी हो गया, बी हो गया, एच निकाला, साइन थीटा, लेकिन 7/25 आया, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि थीटा जो लाइज करता है वो थर्ड में करता है, इसके लिए इसका कैलकुलेशन आपका ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद 9 नंबर में जैसे क्वेश्चन बोला कि साइन 15 डिग्री का, तो आप इस तरह करके यूज़ करके निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सिंपल सा है, इसका जो फार्मूला होता है वो पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा कॉट एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए कि जनरली मैंने 11 नंबर यहाँ बना दिया है कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, तो आपको यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन की 11 नंबर में व्यापक हल, तो व्यापक हल के लिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो ये थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, लेकिन यहाँ देखिए कॉट दिया गया है तो पहले इसको बदलना पड़ता है, कैलकुलेशन हो गया। ये 12 नंबर का भी कैलकुलेशन हो गया। अब 13 नंबर में गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम उसको बट्टा कर दे के और उसका सैम्पल से गुणा करने के बाद सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में मापांक का बात बोलता है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, मापांक का फॉर्मूला सबसे सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, ये आंसर कितना है 2 है। उसी प्रकार इसका 15 नंबर में आपको बोलता है गुणनखंड करने के लिए, ये तो आप 9-10 से भी पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कैलकुलेशन है, और 14 मतलब इसको इस तरह लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार है, ये तो आप जानते हैं फैक्टोरिएशन करने के लिए, और ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 में सही हो जाएगा। ये 8 नंबर में बोलता है कि ये इतना से 100 से 1000 के बीच में कितना संख्या, तो देखिए 100 से 1000 के बीच में 3 अंक की संख्या होगा,
तो मेरा टोटल जो नंबर है वन मतलब सेवन तक है, तो 7, 6, 5, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है तो एक एक डिजिट जो है वो घटते जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये क्वेश्चन है, तो इसको देखिए हम यहाँ पर इस तरह रूल लगा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि 9n-8 इक्वल टू n इक्वल टू 17, तो ये हमको फाइंड करना था एन सी 17, तो इसको एन सी 17 जब ऊपर नीचे समान हो जाए इसका सोल्यूशन एक, यानी कि ऑप्शन नंबर एक में मेरा सही हो जाएगा। उसी प्रकार 20, 20 में बोला कि आप क्वेश्चन दे सकते हैं 20 का। क्वेश्चन 20 में आप देखिए क्या बोल रहा है कि एक थैले में 5 काली और 6 लाल, 2 काली और 3 लाल गेंद, मतलब आपका क्वेश्चन है कि 5 में से 2, यानी कि देखिए 5 काली है तो 2 काली लेना है और 3 लाल है तो 6 लाल है तो 3, तो इस तरह करके इसका यूज़ जो कीजिएगा आप इस रूल के अनुसार सी का जो होता है संचय का रूल का कैलकुलेशन ही है 200, ये सही हो जाएगा। अब जैसे ये बोलता है कि गुणांक में मध्य मतलब इसका जो है गुणांक क्या होगा, तो पहले इसका व्यापक पद का फॉर्मूला इस तरह है, फिर जो क्वेश्चन बोलेगा उसको इक्वल करने के बाद आर इक्वल इतना आया, ये जो गुणांक होगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसे कि एपी का क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ से हमको फाइंड करना था एन मतलब पदों की संख्या, तो फार्मूला का आप यूज़ कीजिए एन इक्वल टू आ गया 17, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। बोला 8 और 12 के बीच समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है a+b/2, बस सिंपल सा हो गया। उसी प्रकार जैसे 25 नंबर का कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन बोल रहा था कि पी पद का जो है पी पद आपका क्यू है और क्यू पद पी है, तो पद है तो सिंपल सा ही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान ली, कैलकुलेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्शन नंबर सही ये सही हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग था इसलिए सुन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का बात है, तो ये फर्स्ट टर्म आपको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आर जो होता है ये a2/a1 होता है, तो a2/a1 करने के बाद यह हाफ आ गया, ये SN का फार्मूला कैलकुलेशन करने का और ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। 17 का बोला कि ये अगर GP में है तो X का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो GP के लिए कोई भी अगर 3 टर्म ले लीजिएगा ABC, अगर हम ले लेते हैं AB और C, तो ये रिलेशन हो जाता है कि B/A C/B, वही बैठा देने के बाद X का माना जाएगा 6, ये ऑप्शन नंबर 3 में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 28 में बोला जाता है कि अगर ये दोनों लंब है तो A का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो जनरली लंब का जैसे बात बोलता है तो हम इस कैलकुलेशन को करते हुए ढाल फाइंड कर लेते, तो अगर इस समीकरण आ जाएगा तो ये मेरा ढाल हो जाता था, उसी प्रकार इसको M1 बोल दिए और इसी प्रकार इससे कैलकुलेशन ये M2, तो रेखा लंब है तो M1 M2 = -1, तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन करने a = 8/3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इसके बाद बोल रहा है कि बिंदु इतना से रेखा इतना के समांतर है, तो एक रेखा का समीकरण रेखा के समांतर है, तो इसका ढाल निकालने के बाद जो ढाल इस रेखा का होगा वही ढाल हम जो निकालने वाले हैं उसी ढाल, क्योंकि समांतर है, लंब का बात यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए दोनों का ढाल एक होगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये लंब की लंबाई, लंब की लंबाई जनरली तो बहुत सा इजी क्वेश्चन है आपका, तो जैसे कि ये लंब की लंबाई, तो ये जो बिंदु दिया गया है उसको केवल बैठाते जाइए कैलकुलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ गया 1 सही हो जाएगा। तो जैसे त्रिज्या सबसे इजी है त्रिज्या फाइंड करना, जो ये 5 आपको दिख रहा है इसी 5 को ये त्रिज्या बोला जाएगा, जब बराबर के इधर में आपके आ जाएगा तो वो त्रिज्या बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन मेरा ये 3 सही हो जाएगा। अब ये पराबोला, तो पराबोला को अक्ष आप सिंपल सा देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है हो गया। उसी प्रकार ये इसेंट्रिसिटी अब मतलब e = होता है c/a, तो c/a पहले आपको a फाइंड करना होगा फिर c, और c बराबर चूँकि देखिए इस समीकरण जो है इलिप्स का है, तो इलिप्स के लिए आपको देखना होगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फाइंड करने के बाद ये हो जाएगा, तो c² = होता है a² - b², तो इस तरह करके फाइंड हो जाएगा e हो गया। अब देखिए बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी जो ज्ञात करना है सबसे सिंपल सा चीज़ हो जाएगा। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो क्या, तो लिमिट इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा कि नीचे अगर 0 है और ऊपर में कुछ पावर का बात बोल रहा है, तो वो जो पावर है वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर √x है, तो ये √x मतलब कितना पावर, √2, तो ये हाफ हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में सही हो जाएगा। इसका इसी प्रकार ये डिफरेंशिएशन है, तो x cos x, ये u × v में जाएगा, ये u और ये v, तो u × v में कैलकुलेशन करना होगा।
तो ये क्वेश्चन हम 36 जो है एक्स कॉस एक्स है, तो ये इस तरह यू इन टू भी करके ये सोल्यूशन होगा। 37 में भी आपका डिफ्रेंसिएशन करने वाला, डिफ्रेंसिएशन सबसे सिंपल सही हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 38 नंबर में क्या बोलता है, यदि ई कोई असंभव घटना है तो पी क्या होगा। तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए, असंभव घटना मतलब घटना हो ही नहीं सकता है, जब घटना हो ही नहीं सकता है तो ये जो मेरा होगा ये जीरो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ये इस तरह ऑप्शन आपका सारा कुछ ऑप्शन दिया गया है, आप और देख सकते हैं कि ये जो मेरा जितना है ये सारा ऑप्शन दिया गया हुआ था। आप देखिएगा कि कोई कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं रह गया है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।